Hello everyone, welcome to my channel The Learning Babu. Today is 11th of March 2019 and we are going to discuss most of the important information related to 11th of March. So let's start. Oceania nations included in Asian Games 2022. So, Asian Games, as we all know, Asian Games include only nations from Asia, but Oceania nations now including sporting powerhouse Australia and other nations like New Zealand have been invited to compete in Olympic teams events such as football and basketball for the 2022 Asian Games for the first time. ये पहला टाइम है कि एशिया के अलावा ओशिनिया नेशंस को भी इनवाइट किया गया है फॉर एशियन गेम्स. लेकिन देयर इज अ थिंग, ये जो इनविटेशन दिया गया है ओशिनिया नेशंस को, ये केवल वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और फेंसिंग जैसे गेम्स में है, क्योंकि स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग जैसे इवेंट जो हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता है. सो एशियन कंट्रीज और एशियन गेम्स में वो डोमिनेट ना कर पाए, इसलिए केवल एज अ इन्विटेशन उन्हें इंक्लूड किया गया है वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जिसमें उनका परफॉर्मेंस मॉडरेट होता है. सो ये इन्विटेशन मिला है ओशिनिया नेशंस को, विच इज़ अ बिग न्यूज़. उनको एशियन गेम्स में इंक्लूड किया गया है जो कि 19th एशियन गेम्स हैं, होंगे हैंगजू चाइना में. यू शुड रिमेंबर दिस, 19th एशियन गेम्स कहाँ होने वाले हैं. अब एशियन गेम्स के बारे में बात हो रही है तो फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स स्टार्ट हुए थे 1951 में इन न्यू दिल्ली इंडिया में. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. और लास्ट एशियन गेम्स हुए थे 2018 में जो कि जकार्ता पालेमबर्ग इंडोनेशिया में हुए थे. एंड वन मोर थिंग, आफ्टर ओलंपिक एशियन गेम इज द सेकेंड ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट इवेंट. सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स और सबसे ज़्यादा नेशन जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो इवेंट ओलंपिक के बाद आता है एशियन गेम्स. सो सेकेंड न्यूज, रेड फ्लैग एक्सरसाइज स्टार्टेड इन US. सो रेड फ्लैग, वॉट इज अ रेड फ्लैग एक्सरसाइज? इट इज़ अ US एयरफोर्स कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज. US Air Force की ट्रेनिंग एक्सरसाइज है रेड फ्लैग एक्सरसाइज, विच वॉज स्टार्टेड इन 1975 में इसे स्टार्ट किया गया था. इसमें 12 डे का एक्सरसाइज किया जाता है एयर फोर्स का, और इसे 2019 में शेड्यूल किया गया है फ्रॉम 3rd of March टू 16th of March. और इसकी लोकेशन रहेगी एट नेलिस एयर फोर्स बेस, नेवेडा, यूनाइटेड स्टेट्स. सो इट इज ऑल अबाउट रेड फ्लैग एक्सरसाइज इन US. अब USA में हो रही है. सो हियर इज USA इन द मैप, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ USA इज डोनाल्ड ट्रंप. कैपिटल ऑफ USA इज वॉशिंगटन DC, एंड द करेंसी इज US डॉलर्स. बोलो ऐप लॉन्च्ड. सो रिसेंटली गूगल हैज अनवील्ड इट्स न्यू बोलो एंड्रॉयड ऐप, विच इज अ स्पीच बेस्ड रीडिंग ट्यूटर ऐप. गूगल ने अनवील कर दिया है, लॉन्च कर दिया है अपनी न्यू ऐप बोलो ऐप, विच कैन वर्क ऑफलाइन वर्क कर सकती है. और इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं किया जाएगा, ये केवल एक लर्निंग ऐप है. इस ऐप का मोटो है कि रूरल एरियाज में जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं हु आर नॉट हैविंग एक्सेस टू गुड एजुकेशन सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम, they can use this app and then they can enhance their Hindi and English comprehension skills. So this is all about this app which is recently launched and first time it is launched in India. सबसे पहली बार इंडिया में लॉन्च हुई है, वर्ल्ड वाइज भी इसे बात के लॉन्च करने की प्लानिंग. सो गूगल ने लॉन्च की है. सो CEO of Google is Sundar Pichai. गूगल का फाउंडेशन किया गया था 1998 में. इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन. इसका हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसकी फाउंडेशन की थी लैरी पेज. सो इट इज ऑल अबाउट बोलो ऐप एंड गूगल. सो अरेटा सुज़ुकी विंस प्रिट्ज़कर प्राइज इन आर्किटेक्चर. सो प्रिट्ज़कर प्राइज है क्या जो अरेटा सुज़ुकी को मिला है? फर्स्टली वी शुड नो दिस, प्रिट्ज़कर प्राइज को आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज भी बोला जाता है.
It is the most prestigious award in architecture. Architecture का most prestigious award है. और इस साल 2019 में अराता इजोजेकी, ये हैं अराता इजोजेकी जिन्हें इस साल प्रिट्जकर प्राइज दिया गया है आर्किटेक्चर का. अराता इजोजेकी को इम्पीरियर ऑफ जैपनीज आर्किटेक्चर भी कहा जाता है. ही इज़ वेरी वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हिज वर्सटैलिटी एंड ट्रांसनेशनल अप्रोच टू डिज़ाइन. इनकी अप्रोच और इनकी वर्सटैलिटी के कारण इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता था. अब प्रिट्जकर प्राइज मिलने वाले, एक्सेप्ट करने वाले 46% है वर्ल्ड वाइड, और जापान के ओनली 8% है जिनको यह अवार्ड दिया गया है. अब जापान से तो ये है, इंडिया से प्रिट्जकर प्राइज आज तक किसने जीता है? सो बाल कृष्ण दोषी को मिला है प्रिट्जकर प्राइज फॉर इंडिया. ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको आर्किटेक्चर में ये प्राइज मिला था. सो इस अवार्ड में दिया गया जाता है, इस अवार्ड में ये मोमेंटो दिया जाता है और साथ ही साथ $1,00,000 मिलते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट प्रिट्जकर प्राइज 2019. सो रिसेंटली मिजोरम गवर्नमेंट स्टेप्स डाउन. सो मिजोरम में ये इवेंट हुआ है कि मिजोरम के जो गवर्नर थे उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है अपनी पोस्ट से. सो रिसेंटली गवर्नर राजशेखरन ने, जो कि फॉर्मर केरला स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्हें गवर्नर बनाया गया था मिजोरम का और उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है पोस्ट से. एक्चुअली इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये स्टेप डाउन है लोकसभा पोस्ट के जस्ट पहले ही किया है और ऐसी स्पेकुलेशंस हैं कि उन्हें बीजेपी का कैंडिडेट बनाया जाएगा तिरुवनंतपुरम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और मे भी यही रीज़न है कि इन्होंने गवर्नर की पोस्ट से स्टेप डाउन कर लिया है. अब इनके स्टेप डाउन करने के बाद असम के गवर्नर जगदीश मुखी को टेम्परेरी चार्ज दे दिया गया है एज अ गवर्नर ऑफ मिजोरम. सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़. अब मिजोरम के गवर्नर की पोस्ट से इन्होंने स्टेप डाउन किया है. सो हेयर इट इज़ मिजोरम इन द मैप. इट इज़ लोकेटेड इन दिस लोकेशन. मिजोरम की कैपिटल है एजवॉल. मिजोरम के सीएम हैं जोरमथेंगा और गवर्नर हैं राजशेखरन के स्टेप डाउन करने के बाद टेम्परेरी गवर्नर बनाया गया है जगदीश मुखी, जो कि असम के भी गवर्नर हैं. नेक्स्ट न्यूज, डेटा थेफ्ट केस रजिस्टर इन आंध्र प्रदेश, एसआईटी फॉर्म टू प्रॉब. सो एक केस है YSR कांग्रेस के लीडर्स और फॉलोवर ने, जो कि तेलंगाना पुलिस ऑफिशियल्स के पास रजिस्टर करवाया था. इन्होंने एलिज किया था कि इलेक्शन से रिलेटेड डेटा, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों का पर्सनल डेटा है, आधार कार्ड और उनके वोटिंग पोल्स की डिटेल्स, वो एक कंपनी में लीक हो चुकी है. इन्होंने ऐसा केस रजिस्टर कराया था तेलंगाना पुलिस को. सो तेलंगाना पुलिस ने इसमें पॉप किया और उन्होंने बोला कि सेंसिटिव डेटा जो कि स्टेट इलेक्शन से रिलेटेड है वो पोसेशन में मिला है हैदराबाद बेस्ड एक आईटी कंपनी के, और ये आईटी कंपनी और कोई नहीं है, वही आईटी कंपनी है जिन्होंने सेवा मित्र ऐप लॉन्च की थी, जो कि TDP अभी जो रूलिंग पार्टी है आंध्र प्रदेश की, उसके लिए उन्होंने सेवा मित्र ऐप लॉन्च की थी. और इसी ऐप में ये पाया गया है, तेलंगाना पुलिस ने पाया है कि इस ऐप में इलेक्शंस रिलेटेड कुछ सेंसिटिव डेटा है. सो केस अगेन रजिस्टर किया गया है अगेंस्ट आईटी ग्रिंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ये सॉफ्टवेयर कमिटी है और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने ऐप लॉन्च की थी रूलिंग पार्टी TDP तेलुगु दसम पार्टी के लिए. सो अब इसमें प्रॉप करने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस के पास भी केस रजिस्टर हो चुका है और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 9 मेंबर्स की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म कर दी. सो इट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज. अब आंध्र प्रदेश में केस रजिस्टर हुआ है. सो द CM ऑफ आंध्र प्रदेश इज N चंद्रबाबू नायडू. कैपिटल इज हैदराबाद एंड द प्रपोज कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज अमरावती एंड द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश इज TSL नरसिम्हा. नेक्स्ट न्यूज, न्यू कोचिंग टर्मिनल एट निमोम केरला. सो मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कोल पीयूष गोयल ने
फाउंडेशन रखी है न्यू कोचिंग टर्मिनल की। ये कोचिंग टर्मिनल प्रोवाइड कराएगा मोर नंबर ऑफ ट्रेन्स जो कि ओरिजिनेट होंगी और टर्मिनेट होंगी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल में। अब ये कोचिंग टर्मिनल बनाने का रीज़न क्या है? एक्चुअली जो कोचिंग टर्मिनल त्रिवेंद्रम के पास थे उनमें बहुत सारा ओवरलोड हो रहा था। उस ओवरलोड को और ना बढ़े और उस ओवरलोड को थोड़ा कम करने के लिए और ज़्यादा ट्रेन प्रोवाइड करने के लिए और साथ ही साथ डिकंजेस्टिंग करने के लिए ये न्यू कोचिंग टर्मिनल नेमोम जो कि केरला में है वहाँ ओपन किया गया। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। इसकी फाउंडेशन रखी है मिनिस्टर ऑफ रेलवे पीयूष गोयल जो कि कोल मिनिस्टर भी हैं और इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्योंकि ये दिल्ली में थे उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी है। अब केरला में ये ओपन हुआ है। सो केरला के सीएम है पेनरई विजयन, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है पी सतीशिवम एंड केरला इज इन दिस लोकेशन इन इंडिया। चाइना हाइक्स डिफेंस बजट बाय 7.5%। सो अनदर न्यूज रिलेटेड टू चाइना, चाइना ने रिसेंटली अपना बजट लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने डिफेंस को 177.61 US बिलियन डॉलर दिया है। लास्ट ईयर उन्होंने बजट डिफेंस के लिए किया था 175 बिलियन US डॉलर्स, लेकिन 7.5% इस साल हाइक दिया है। इट इज़ अ फर्स्ट सिंगल डिजिट हाइक फॉर द बजट इन चाइना। लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा है लेकिन इस बार का जो हाइक है ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बहुत कम है। फिर भी इन्होंने 177.61 बिलियन US डॉलर्स अपने डिफेंस बजट में दे दिया है और एज कम्पेयर टू इंडिया इंडियन बजट, अगर हम इंडिया के डिफेंस बजट से कंपेयर करें तो इंडिया का डिफेंस बजट जो कि है 50 बिलियन US डॉलर उसका लगभग 3 गुना है चाइना का बजट, 3 गुने से ज़्यादा है। इट्स ओवर 3 टाइम्स इंडिया डिफेंस बजट। और इसी इंक्रीमेंट के साथ चाइना सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस बजट वाली कंपनी बन गया है। लार्जेस्ट डिफेंस बजट अभी तक का है यूनाइटेड स्टेट्स का। सो चाइना ने इंक्रीमेंट किया है, हाइक किया है डिफेंस बजट। सो हियर इट इज चाइना इन द मैप। द करेंसी यूज्ड इन चाइना इज रेनमिनबी, द कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग एंड द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इज जी जिनपिंग। सो विद दिस वी केम टू एन एंड। इट्स ऑल अबाउट 11th of March 2019। I'll be back soon. I hope you like the video. If you like the video, please share with your friends and subscribe. Thank you.